वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। गाइस, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1659 रिलीज की गई है और इस वैकेंसी से रिलेटेड कम्प्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस मिलेंगे, जिनसे आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी। सिंपली गाइस, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको प्लस या फिर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। और सब्सक्रिप्शन परचेज करते वक्त अगर आप लोग PMYT कोड का यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी आपके ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है। चलिए वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल जानते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है फॉर द एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस। गाइस, यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट है, इसके लिए आप लोग कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे? तो आप लोग इसके लिए 2 तारीख से लेकर के, 2 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कहाँ से अप्लाई कर पाएंगे? तो ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे www.rrcpryj.org पे जाकर के आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे गाइस यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। सबसे पहले एज लिमिट की बात करते हैं। तो जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है, वो क्लोजिंग डेट पे फुलफिल होना चाहिए 1 अगस्त 2022। आप लोग चाहें तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग गिवन है। वैसे यहाँ पे जनरली 15 ईयर्स आपकी मिनिमम एज बताई गई है और मैक्सिमम एज यहाँ पे 24 ईयर्स बताई गई है, जो की फुलफिल होनी चाहिए 1 अगस्त 2022 को। बाकी की यहाँ पे अगर आप चाहें तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, पूरा चार्ट यहाँ पे गिवन है। अब बात करेंगे गाइस यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिंपल है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे 10th पास किया है या फिर उसके इक्विवेलेंट आप लोगों ने कोई अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली है अंडर 10+2 एजुकेशन सिस्टम विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइस, आप लोगों ने यहाँ पे ITI पास की हो अपनी रिलेवेंट ट्रेड के अंदर, और आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशूड होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं गाइस, कौन कौन सी ट्रेड के अंदर यहाँ पे आपसे मांगा गया। अगर आप लोगों ने इन ट्रेड के अंदर अपनी ITI कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलेवेंट ट्रेड यहाँ पे गिवन है। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे गाइस यहाँ पे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया की। जैसे कि अगर आप लोगों की जो 10th है या फिर ITI का रिजल्ट है वो अभी नहीं आया है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आपका रिजल्ट 28 जून से पहले आ चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आता है या फिर अभी आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज रहेगी, नॉन रिफंडेबल रहेगी। अप्लाई कहाँ से कर पाएंगे? तो आप RRCPRYG से अप्लाई कर पाएंगे। आगे गाइस, यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स भी गिवन है। अगर आप लोग वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पे देखना चाहते हैं डिवीजन वाइज, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। कहाँ से अप्लाई करना है वो वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया है, लास्ट डेट भी यहाँ पे मैंने आपको बता दी है। सिंपली आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं 1 अगस्त से पहले। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी ऐप के ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CABF, State PSC, UGC नेट, IIT JEE, NEET। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।